नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले में मतदान को लेकर अधिकारियों ने अपनी तैयारी पूर्ण की। पूरे जिले में टोटल 1012 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए हैं। आज जिले के सभी अधिकारियों का एक ही लक्ष्य है कि 100% मतदान हो। इसी उद्देश्य को लेकर आज सभी मतदान दल अपनी अपनी ईवीएम के साथ अपने केंद्र रवाना हो रहे हैं। जिले में 9 पैरामिलिट्री फोर्स, 500 महाराष्ट्र से आए हुए होमगार्ड्स, 120 पुलिस मोबाइल पार्टी, प्रत्येक 10 केंद्रों पर एक पार्टी तैनात होगी। जिले में 290 संवेदनशील मतदान केंद्रों को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात की गई है। जिला नरसिंहपुर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बाहर से हमें CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मिला हुआ है, जिसमें BSF, ITBP, महाराष्ट्र SF एवं नागा आर्म फोर्स करीबन 9 कंपनी जो है मिली हुई हैं। इसके अलावा हमें 500 होमगार्ड महाराष्ट्र से मिला हुआ है, हमारे जिले का होमगार्ड और जिला का बाद। इस तरह के हर पोलिंग बूथ पर करीबन 3 पुलिसकर्मी, इसमें SPO भी है, विशेष पुलिस अधिकारी भी बनाए गए हैं, उनको भी लगाया गया है। तो 3 पुलिसकर्मी, 2 वर्दीधारी और 1 SPO का एवरेज लगाया है, चाहे वो पोलिंग स्टेशन पर हो, चाहे वो पुलिस पार्टी के रूप में हो, या कट ऑफ पार्टी, या किसी भी तरीके से लगाया गया हो। पूरे ज़िले की सीमाएं सील बंद कर दी गई। हमारे ज़िले में टोटल 1012 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। मतदान दल कल सभी 1012 जो हमारे मतदान केंद्र हैं उसके लिए मंडी परिसर नरसिंहपुर से उनकी रवानगी होगी और हम लगता है कि 12 बजे तक हम लोग सभी दलों को संबंधित जगहों के लिए रवाना कर देंगे और वहां मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे शाम तक और रात में रुकेंगे और 28 तारीख को ये चुनाव कराएंगे और चुनाव के पश्चात ये सामग्री लेकर वापस मंडी आएंगे, वहाँ इनको सुरक्षित रखा जाएगा। मतदान केंद्र पर तथा मतदान कर्मियों के सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खासकर क्रिटिकल मतदान केंद्र हमारे जो लगभग 290 हैं उन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्टिंग की गई है। अन्य जो भी मतदान केंद्र हैं उसमें भी हम लोगों ने फोर्सेज रखा है, स्थानीय बल हो, पुलिस बल हो, चाहे SAF हो, विशेष पुलिस अधिकारी हैं, होमगार्ड हैं। इस तरह करके हमने हर एक मतदान केंद्र पर औसतन 2 पुलिस जवान वहाँ उपलब्ध हैं।